हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन। तो आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें हम फर्स्टली बेसिक कंसेप्ट के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, आपने देखी होगी, तो कि बायोटेक्नोलॉजी जो है एक इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड ब्रांच है बायो की, जिसमें कि बायोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये सारे मिलकर एक इंटीग्रेटेड ब्रांच बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में सबसे जो उसका प्रिंसिपल है, मेन चीज उसके अंदर आती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या हम बोल सकते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग विच इज द मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल नेचर ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड देयर इंट्रोडक्शन इनटू द अनदर होस्ट टू चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम किसी भी डीएनए या आरएनए की नेचर में चेंज करके उसको किसी दूसरे होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करके और उसके फिनोटिपिक करेक्टर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बेसिक हो गया। दूसरा हम बेसिक लेते हैं इसमें स्टरलाइजेशन मेथड। तो स्टरलाइजेशन मेथड जो होते हैं ये क्या करते हैं, टू मेंटेन ग्रोथ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैनिप्लिकेशन ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब और सेल इन द लार्ज क्वांटिटीज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक एंटीबायोटिक, वैक्सीन एंड एंजाइम्स। तो यहाँ पे हम दो चीजें बोल रहे हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी जो वर्ड ले रहे हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक क्या है, ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है, और उसके अंदर आ जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हम क्या करते हैं, डीएनए और आरएनए की केमिकल नेचर चेंज करके उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिससे कि होस्ट का फिनोटिपिक करेक्टर चेंज हो जाता है और उसको स्टरलाइज्ड करके उसकी ग्रोथ को मैनिपुलेट कराकर क्या करते हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कराते हैं। और वो प्रोडक्ट क्या होते हैं, एंटीबायोटिक हो सकता है, वैक्सीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है। ठीक है, तो वैक्सीन जो है वो किसके काम आती है, डिजीज से कंट्रोल करने के। माइक्रोब को ही हम क्या करते हैं, बॉडी में इंट्रोड्यूस कराते हैं और वो बॉडी जो माइक्रोब है एज ए एंटीजन हमारी बॉडी में गया, लेकिन कैसा है, वो नॉन फंक्शनल है, हमारे अंदर डिजीज क्रिएट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे अंदर जाके हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को फॉर्म करने में हेल्प करता है। वो एंटीबॉडीज बनाती है जिससे कि हमारे अंदर क्या हो गया, डिजीज से लड़ने की पावर आ गई, रेसिस्टेंस पावर आ गई, इम्यूनिटी पावर आ गई। तो ये किसका कंसेप्ट है, बायोटेक्नोलॉजी का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के जो फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कौन है, पॉल बर्ग। ये पॉल बर्ग जो है ये क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग को इन्होंने फॉर्म करा था, फर्स्टली जो टर्म दिया, कंसेप्ट दिया, वो पॉल बर्ग साइंटिस्ट थे। और इसके हेल्प से हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, मॉडिफाइड वैक्सीन्स, एंजाइम्स, एंटीबायोटिक्स को फॉर्म करा गया है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, सबसे पहले हमें जो डीएनए चूज करना है, जिन जीन्स को हमें चूज करना है, जो करेक्टर को लेके हमें जीन्स लेने हैं, उस डीएनए को हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डीएनए विद डिजायरेबल जीन, ऐसे डीएनए को हम आइडेंटिफाई करेंगे जिनके अंदर डिजायरेबल जीन्स प्रेजेंट हैं। फिर उस डीएनए को हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर, होस्ट के अंदर। तो सेकेंड पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन टू द आइडेंटिफाइड डीएनए इन टू द होस्ट। फिर उसके बाद जब वो होस्ट के अंदर चला जाता है डीएनए, तो उसको मेंटेन करा जाता है ताकि वो होस्ट के अंदर प्रॉपरली ग्रोथ कर सके, मैनिपुलेट कर सके। मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस डीएनए इन द होस्ट एंड ट्रांसफर ऑफ द डीएनए इनटू इट्स प्रोजेनी। जब उसमें मेंटेन हो जाएगा होस्ट के अंदर, तो वो उस डीएनए को अपने प्रोजेनी के अंदर क्या कर सके, ट्रांसफर कर सके। तो इन स्टेप्स के बेसिस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग को करा जाता है।
अब इसमें जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो किसने बनाया था? दो साइंटिस्ट थे, बोयर एंड कॉइन, 1972 में इन्होंने, बोयर एंड कॉइन ने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एस्टैब्लिश करा था। और जो ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म्ड हुआ तो इसके अंदर जो एज ए वेक्टर लिया वो क्या लिया था इन्होंने, साल्मोनेला। तो इसमें नेक्स्ट वेक्टर था साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम, ठीक है। तो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट बनाया था किसने, बॉयर एंड कॉइन ने 1972 में, एज ए वेक्टर एज ए प्लाज्मिड इसका लिया गया साल्मोनेला टाइफ्यूमेरियम। तो इसको जो है कैसे फॉर्म करा मैं आपको बताती हूँ, और साथ में इसमें बताऊंगी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो किस तरीके से जो डीएनए सेगमेंट्स हैं उनको कट करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक डीएनए सेगमेंट ले लिया, ये हो गया फॉरेन डीएनए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक ले लेते हैं वेक्टर, ये हो गया वेक्टर, सपोज करो साल्मोनेला का है, और इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोम, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, जो एंजाइम्स होंगे वो इसकी साइट को पर्टिकुलरली क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। अब जब ये कट हो गया तो इसमें जो है यहाँ पे ये हो गया यहाँ पर वेक्टर प्लाज्मिड, अब इसको क्या कराया जाएगा, कट कराया जाएगा, ठीक है। ये कट हो गया, अब इसमें फॉरेन डीएनए को इंसर्ट करा जाएगा, और इंसर्ट करने पर ये क्या बन गया यहाँ पर, ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ये फॉरेन डीएनए किसके अंदर आ गया, वेक्टर के अंदर, और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। क्या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बना, फॉरेन डीएनए प्लस वेक्टर क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट। अब इसको हम किसी होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करा दें, ठीक है। ये इसका होस्ट के अंदर क्या आ गया, ये इसका प्लाज्मिड, ठीक। तो ये क्या हो गया, अब यहां पर ये होस्ट रहेगा, ठीक। ये फिर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके अपनी प्रोजेनीज को फॉर्म करेगा। तो हमने उसमें स्टेप लिया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायरेबल जीन्स, फिर इंट्रोड्यूस इनटू द होस्ट, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, और थर्ड स्टेप में ये क्या करेगा, मेंटेन होगा, और मेंटेन होके अपने यहां पे प्रोजेनीज को फॉर्म करेगा, इस तरीके से यहां पे दूसरी सेल्स को ये फॉर्म कर देगा, और उसके अंदर क्या कर देगा, ये जो ये जीन्स हैं क्रोमोसोम्स हैं वो इसके अंदर पहुंच जाएंगे, और ये जो प्लाज्मिड ये वाला गया है यहां पर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये इसके साथ मैनिपुलेट होकर इंटीग्रेट होकर ये न्यू करेक्टर्स को, यानी कि इसके अंदर किसके करेक्टर पहुंच गए, इस फॉरेन डीएनए के, ठीक है। अब यहाँ पे इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो कटिंग हुई है यहाँ पे इस जीन को लाने के लिए, इस डीएनए को लाने के लिए, ये किसने करी है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने। तो अब रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कैसे वर्क करता है, उसका एक्शन कैसे होता है, वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे कि सपोज करिए ये एक जो मैंने ये डीएनए लिया है, ये हो गया वेक्टर डीएनए और ये हो गया फॉरेन डीएनए, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर, और ये हो गया फॉरेन, फॉरेन डीएनए। तो यहां पे हम एक्शन ले रहे हैं इको आर वन, ठीक है। इसकी कटिंग यहां से होगी, ये एंजाइम दोनों में, यही एंजाइम वेक्टर में भी यही कट करेगा और फॉरेन को भी यही कट करेगा।
क्योंकि अगर अलग अलग एंजाइम दोनों को कट करेंगी तो क्या होगा, उससे दोनों की सिक्वेंसेस अलग अलग हो जाएंगी, तो दोनों को जोड़ने के लिए सेम सिक्वेंस चाहिए ना, तो इसलिए हमने क्या करा, इको आर वन को इसके लिए भी चूज करा है और इसके लिए भी चूज करा है। तो ये क्या करेगा, यहां से कटिंग करेगा, तो जिससे ये कटिंग करेगा तो ये स्टिकी एंड्स फॉर्म्ड होंगे। मैं आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी हो तो मैंने उसमें स्टिकी एंड्स, स्टैगर्ड एंड्स कट और इवन कट बताए थे, तो ये स्टैगर्ड कट हुआ है और ये स्टिकी एंड कहलाता है। स्टिकी एंड का मतलब हो गया जिस एंड पर आपके फॉरन डीएनए यहाँ पर आकर ज्वाइंट होगा, तो ये इसका क्या है, स्टिकी एंड। इसी तरीके से इसका भी स्टिकी एंड क्या हो गया, ये वाला, ठीक है, इसका भी स्टिकी एंड ये वाला हो जाएगा ऊपर, ठीक है, ये वाला पोर्शन इधर जाके ज्वाइंट होगा और ये वाला पोर्शन इधर जाके ज्वाइंट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये कटिंग हो गई है, ये कैसे कट हुए हैं, स्टैगर कट है, अनइक्वल कट हुए हैं, इक्वल बेस नहीं आ रहे हैं कटने पर, तो ये स्टैगर्ड कट है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट, ये दोनों क्या हो गए यहाँ पर, ज्वाइंट होने पर अब देखिए यहाँ पे जो ये इको आर आई काम कर रहा है, इको आर फर्स्ट काम कर रहा है, तो इनके अंदर जो ये बेस जुड़े हुए हैं, बेस जो होते हैं वो किससे जुड़े हुए होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को यहाँ पे क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, कौन से बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड को, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा यहाँ पर, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा, जिससे कि हाइड्रोजन बॉन्ड के टूटने से क्या हो गया, पेयरिंग अलग अलग हो गई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गए, ये कट गए, ठीक। अब ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे, कौन सा, वेक्टर और फॉरन। देखिए यहाँ पे जी था खाली इसका, तो ये वाले बेस इसके साथ ज्वाइंट हो गए, ठीक है, जी ए ए टी टी सी, इस तरह से यहाँ पे सिर्फ जी था तो ये वाले बेस इसके साथ ज्वाइंट हो गए, सी टी टी ए ए जी, तो अलग अलग आ गया। यहां से आप रीड कर रहे हो तो जी ए ए टी टी सी, इधर से जी ए ए टी टी सी, तो ये 5' to 3' और ये 3' to 5'। तो अब ये जो बेस आके आए हैं यहां पर, ये लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या हो जाएंगे, आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, तो जिससे कि ये क्या बन गया, एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के कटिंग से और लाइगेज एंजाइम के ज्वाइनिंग से, ठीक है। तो ये अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको होस्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, तो होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंच कर वहां पे मेंटेन होकर वहां पे अपने आप को मल्टीप्लाई करके वो क्या करेगा, अपने करेक्टर्स को वाले ऑर्गेनिज्म को फॉर्म्ड करेगा। तो ये पार्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो अब हम यहाँ जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की वैक्सीन, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं, जो हमारी वैक्सीन जो होती हैं वो डिफरेंट डिजीज से हमको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं, डिफरेंट एंजाइम्स बनते हैं और एंटीबॉडीज बनती हैं जो हमको डिजीज फ्री बनाने में हेल्प करती हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसकी हेल्प से हम किसी भी क्रॉप वैरायटी को मेडिसिन वर्ल्ड में या एनिमल्स में को इम्प्रूव कराने में हेल्प करते हैं। तो ये यहाँ पे एक बेसिक कंसेप्ट बोल सकते हो आप, इसको प्रिंसिपल बोल सकते हो, कि हमने यहाँ पे बताया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, और ये हमने बोला एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की, किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वर्क करते हैं। तो आप बच्चों आज बस इतना, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक आप चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आप मेरी वीडियो और देखते रहें। ओके, बाय बाय।